Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. सलमान खान की फिल्म भारत इन दिनों सुर्खियों में है और इस फिल्म को बेशुमार सफलता मिल रही है, पर भाई जान पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और वो अब अपनी अगली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में बिजी हैं। दबंग 3 सलमान खान के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस फिल्म के साथ वो 10 साल बाद अपने वांटेड डायरेक्टर प्रभु देवा के साथ रीयूनाइट हो रहे हैं। 10 साल पहले सलमान का करियर जब पूरी तरह से खत्म होने वाला था तब वांटेड फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद उनकी किस्मत ने लिया एक ऐसा यू टर्न जो कोई भी नहीं सोच सकता था। सलमान खान ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो सबके चहेते बन चुके हैं। ऐसे में अब जो सीक्वल्स का दौर चल रहा है तो सभी चाहते थे कि सलमान खान भी फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाए, मगर ढेर सारी चर्चा और रूमर्स के बाद भी प्रभु देवा ने कभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया। पर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस टॉपिक पर पूछे गए सवालों के रिस्पॉन्स में कहा, देयर आर नो प्लान्स फॉर वांटेड 2 फॉर नाउ, बट यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग विद सलमान अगेन इन दबंग 3 एंड दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। वेल, इस एक स्टेटमेंट से प्रभु देवा ने पूरा फोकस वांटेड से हटाकर दबंग 3 पर ले आए और साथ ही फ्यूचर को अनसर्टेन बताकर सीक्वल की पॉसिबिलिटी को ओपन ही रखा। तो प्रभु देवा के इस स्टेटमेंट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।